लोगों का सर कहना है कि कांस्टेबल 303 मनोज कुमार को बर्खास्त करा के छोड़ेंगे। क्या मेरे माँ बाप नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर को कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी आरक्षियों को या सभी कर्मचारियों को, खासतौर पुलिस वालों को, एक पौष्टिक आहार के रूप में 1875 रुपये यानी 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने महोदय ने घोषणा की। अब महोदय आप एक बताइए, ये दाल है देखिए, इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, ना कुछ है ना का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं है, ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं है, ये रोटियां आप खा सकते हैं, इनको आप कभी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर है ना? तो मैं इसी फिरोजाबाद डबल ही कोर्ट में तैनात हूँ। आपने कप्तान साहब से शिकायत नहीं करी? सबसे पहले मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। कम से कम मेरे पास 200 कॉल हैं। उसके बाद ये गन्ना वाले आए, कप्तान साहब अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले जिम करने के लिए आते हैं डेली पुलिस लाइन में, तो कप्तान साहब आए तो मैंने ऐसे करके जैन किया, साहब के सामने थाली इसी की तरह प्रस्तुत किया मैंने। कप्तान साहब ने बिना कुछ कहे न हाँ कहा न ना कहा, ना उनसे कहा कि ये खाने के लिए क्यों परेशान है, बिना कहे अपनी जिम करके चले गए। आर आई महोदय ने वह गन्ना वालों ने मिल करके इस थाली को मैं इसमें भिजवा दिया, मैं इसमें लेकर के हाथों से बोले ये खाना हम तुम्हारा दोबारा गर्म करके रोटी और सुखवा के मंगवा रहे हैं। ये थाली अंदर चली गई 1:30 बजे, आखिरकार मुझे 2:45 में थाली को लेकर के आप लोगों के बीच में बड़ी मुश्किल से भाग करके आया हूँ। वहाँ भी वो लोग मेरी वीडियो बना रहे थे, और इन लोगों का सर कहना है कि कांस्टेबल 303 मनोज कुमार को बर्खास्त करा के छोड़ेंगे। क्या मेरे माँ बाप नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये किसने कहा बर्खास्त करेंगे? ये आर आई साहब ने, गणना वालों ने, मैस मैनेजर ने, कि आप गाने की भी जनता की भी शिकायत ले गए। फिर आपने उच्चाधिकारियों से शिकायत नहीं करी इसकी? किससे सर? उच्चाधिकारियों से? उच्चाधिकारी कप्तान साहब ही तो है हमारे, जो कुछ मैं कप्तान साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।